वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। अगर पहली बार जुड़े हैं तो ये मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो। मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट। मेरा फैमिली चैनल है द जर्नी ऑफ लाइफ 1111। आप सबको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखते हैं कलेक्टिव एनर्जीज में क्या एनर्जीज हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। चैनल डेक का यूज कर रहे हैं, ये डायरेक्ट डिवाइन की तरफ से मैसेजेस हैं। तो इस चैनल पे बातें होती हैं स्पेल वर्क की, साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की और किसी भी शेप साइज और फॉर्म में अगर आप पीड़ित हैं मैनिपुलेशन की एनर्जी से तो यही बातें होंगी। नेगेटिव लगे या पॉजिटिव तो अपने हिसाब से देखिएगा, जो चीज़ें रेजोनेट ले लीजिएगा, जो चीज़ें ना उनको जाने दीजिएगा। तो डिवाइन कहते हैं आपसे यू विल रियलाइज और यू विल डिसाइड। तो आप या तो रियलाइज करेंगे किसी सिचुएशन को, यानी कि आपको एहसास होगा किसी सिचुएशन में, और आप कुछ ना कुछ या फिर डिसाइड करेंगे, यानी कि कुछ फैसले आप कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच ये डिवाइन। आई एम हेयर टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एनी हार्म स्पिरिचुअली फिजिकली साइकिकली। तो यहाँ पर डेफिनेटली डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किसी सिचुएशन कोई हार्म करने की कोशिश कर रहा है और डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये चीज़ आपको या तो रियलाइज होगी या इस सिचुएशन में आपको डिसाइड करेंगे। लाइफ जर्नी इज नॉट ऑलवेज 50-50, समटाइम्स इज हमेशा आपके हिसाब से रिजल्ट आए या पॉजिटिव नेगेटिव हो, ऐसा नहीं है। कई बार आपके लिए 100 में से आपके लिए 1000 नंबर या 1000 पॉइंट लेना जरूरी होता है। तो हमेशा मोर एफर्ट्स डालने के लिए या ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। तो ईश्वर चाहते हैं, डिवाइन चाहते हैं, ये डायरेक्ट डिवाइन की तरफ से चैनल मैसेजेस का टैग है। तो डिवाइन चाहते हैं कि आप किसी सिचुएशन में अपनी प्रोटेक्शन का ध्यान रखें। वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको रियलाइज करवाएंगे या आपको डिसाइड करवाएंगे कि आपको एक्चुअली क्या करना है या कहाँ पर आपको एफर्ट लगाने हैं, किस सिचुएशन में आपको एफर्ट लगाने हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? हो सकता है इस रीडिंग में मैं ज़्यादातर चैनल डेक का ही यूज करूँ या सिर्फ चैनल डेक का यूज करूँ। गॉड इज नॉट अपॉइंटिंग एनीवन अपॉन यू, डोंट बी स्लेव। तो कोई आपको यहाँ स्लेव बनाना चाहता है और ईश्वर आपको ये बता रहे हैं कि आप किसी के गुलाम नहीं है। किसी भी सिचुएशन में आप किसी के गुलाम नहीं है और ना ही ईश्वर ने आपके ऊपर किसी को मालिक बनाया है। तो अगर कोई आपका मालिक बनने की कोशिश कर रहा है या कर रही है तो डेफिनेटली वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है और वो आपको स्पिरिचुअली फिजिकली या साइकिकली हार्म करने की कोशिश कर रहा है या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। एंजल्स ब्लेसिंग्स, वैसे ये मैं आपको कहती ही हूँ कमेंट बॉक्स में, तो एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच। तो आप डिवाइन पर ट्रस्ट कीजिए और किसी भी काम को करने से पहले थोड़ा सा आप देखिए कि आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये मैसेजेस और नहीं ले रही हूँ इसमें से, डिवाइन नहीं चाहते हैं कि मैं इसमें से और मैसेजेस लूँ। देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं, देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये कार्ड है आपके लिए नाइट ऑफ वांड्स का। तो आप अपने कमिटमेंट की तरफ फोकस करेंगे कि आपको ये रियलाइज होगा कि कोई आपसे कमिटमेंट नहीं कर रहा है या नहीं करेगा, या किसी सिचुएशन में आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है या जवाब नहीं मिल रहा है, और आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको आगे बढ़ना है। लेकिन आपको किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट करने से पहले देखना होगा, और साथ ही साथ आपको ये चीज़ भी रियलाइज होगी कि किसी ने अगर आपसे प्रोटेक्ट करने का आपको वादा किया था, या किसी ने आपको कुछ इस तरह से आपको अगर किसी ने आपको ये कहा था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा स्पिरिचुअली फिजिकली या साइकिकली, वही इंसान आपको कहीं ना कहीं हार्म करने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है या कर सकता है। अब ये रीडिंग आपके लिए पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर के इवेंट्स की हो सकती है। जो चीज़ें रेजोनेट हों ले लीजिएगा, जो ना उनको जाने दीजिएगा क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। सेकंड रो का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है नाइन ऑफ रोड्स का। तो ये कार्मिक सिचुएशन कोई हो सकती है, या फिर कुछ ऐसे लोग जो कि आपको लगातार वुंडेड करने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई स्पेसिफिक पर्सन जिसने आपसे ये कभी कहा था या कहा है, ये चाहे मेल हो या फीमेल, कि
आपको ये इंसान या तो सपोर्ट करेगा या फिर ये करेगी, या फिर ये इंसान आपको प्रोटेक्ट करेगा या करेगी, और इसी इंसान ने आपको कहीं ना कहीं हाँ किया है, और ये इंसान आपका कार्मिक पर्सन है। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, आपको ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रियलाइज़ होगा और इसी में आपको डिसाइड करेंगे। थैंक यू सो, बार बार इस जब से इस डेक को मैंने हाथ में लिया है तब से ही डेथ का कार्ड जो है इसमें झांक रहा है, झांक रहा है, झांक रहा है। तो डेफिनेटली कोई ना कोई सिचुएशन आपकी ट्रांसफॉर्म होने वाली है, जो कि बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थर्ड कार्ड का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। ये कार्ड है आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए जस्टिस का। तो डिवाइन आपको यही जस्टिस दे रहे हैं कि आप लाइफ को लेकर और अपने अपने भविष्य को लेकर अगर आप किसी भी कारण से परेशान हैं या फिर आप किसी भी तरीके से स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपके लिए आपके एक्स्ट्रा एफर्ट से आती है। खासतौर से जब आपकी लेगेसी की बात होती है या फिर जब आप अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कुछ बनाना चाहते हैं या बना रहे हैं, तो डिवाइन चाहते हैं कि आप अपने एफर्ट्स को करने से ना चूकें, या किस दिशा में आपको और कब कब एफर्ट लगाना है इस जर्नी में, या किस किस दिशा में लगाना है उसमें आप लगाते रहिए। जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे, कार्मिक कार्ड, तो इसी के लिए ही मैं लूंगी क्योंकि इसी के लिए आया है। ये आपके लिए न्याय का प्रतीक है, यानी कि आपके हार्डवर्क के रिजल्ट का प्रतीक है कि आपकी लाइफ में जो भी स्केल डिसबैलेंस कर रखा है लोगों ने, वो आपके लिए बैलेंस में होगा और आपको न्याय जरूर मिलेगा। और यही आपका जस्टिस है, आपको न्याय मिलना और आपकी लाइफ में आपको आपकी ब्लेसिंग्स मिलना ही आपका जस्टिस है, और वही आपको मिलेगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। फोर्थ कार्ड का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। आपको न्याय मिलना ही आपका जस्टिस है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और ये न्याय मिलना ही जस्टिस नहीं है, एक्चुअली जो आप डिजर्व करते हैं वो मिलना आपको जस्टिस है, और वही आपके लिए न्याय के उसमें आता है। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ओके, सिक्स ऑफ रोड्स का कार्ड है। तो यहाँ पे डेफिनेटली ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जैसे कोई ना आपकी जगह को रिप्लेस करना चाहता है या चाहती है, यानी कि आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, आप अपनी लाइफ में सब कुछ बना रहे हैं, लेकिन कोई आपकी जगह से, जैसे गुरु अपने शिष्य को मार्गदर्शन देता है तो सिर्फ शिष्य का नाम होता है, गुरु का नाम बाद में आता है, शिष्य ही या जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके नाम रोशन होते हैं। और जब कोई पूछता है तो अब तो रेयर में ही लोगों के गुरु के नाम आते हैं, है ना। तो ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं, तो कोई यहाँ पे ना आपके ऊपर मास्टर बनना चाहता है या चाहती है, लेकिन आपकी एनर्जीज में या फिर आपके कंधों पे पैर रखकर कोई अपने घोड़े पे बैठना चाहता है सफलता के, तो कोई आपको जरिया बनाना चाहता है, आपको सीढ़ी बनाना चाहता है आगे बढ़ने के लिए। और आपके साथ इस इंसान ने कहीं ना कहीं टीम जैसा टाई अप किया था, या इसने आपके साथ दोस्ती या रिश्तेदारी कुछ ना कुछ रखी थी, या ये इंसान रखना चाहता है, ये आपको रियलाइज होगा, या आपको हुआ था, या हुआ है, या हो सकता है। इसमें आप कुछ ना कुछ डिसाइड करेंगे, ये इंसान टोटली ट्रस्टवर्दी नहीं था, इस इंसान ने आपसे अपना लाभ उठाया या फिर आपसे अपना मतलब उठाया है या उठा रहा है, या इसने कभी आपकी लाइफ में ये इंसान ये चीज़ें कर सकता है। लेकिन बेसिकली इस इंसान से ज़्यादा विस्टम वाले और ओल्ड सोल आप हैं। इस इंसान ने, अच्छा, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है, और ये मेरी रीडिंग और मेरी बातें उन लोगों के लिए हैं जो किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, बुरा नहीं करते और बुरा नहीं बोलते, क्योंकि मैं भी ऐसा नहीं करती। मेरी एनर्जीज ऐसी नहीं है कि मैं लोगों को जज करूं या फिर मैं लोगों को बुरा बोलूं या फिर मैं उनके ऊपर स्पेल वर्क करूं, ब्लैक मैजिक करूं। मैं ऑलरेडी इन चीज़ों से पीड़ित रही हूं, तो मुझे पता है कि कैसे होता है, या फिर इसका अनुभव करना कैसे होता है, या इस तरह की एनर्जीज कैसे होती हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। मेरे पर्सनल अनुभव में लाइफ में बहुत चीज़ें रही हैं, उसी के आधार पर मैं आपको बता रही हूँ। आप एक ओल्ड सोल हैं, अगर आप दूसरों का नुकसान नहीं करते तो आपका अपना विस्टम है और वो सही जगह से आता है और उसे आप सही तरीके से यूज़ कर रही हैं हर बर्थ में। लेकिन ये इंसान इमेच्योर है, चाहे ये ओल्ड हो न्यू हो, लेकिन इमेच्योरिटी है इस पर्सन के अंदर, और ये आपके कंधे पे अपनी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ना चाहता है या अपनी सफलता के घोड़े पे बैठना चाहता है। इस इंसान की आंखें बंद है, इसे लगता है बस वही चीज़ें हैं जो इसको दिखाई दे रही हैं, या फिर ये आपको यही चीज़ें दिखाई या तो इस इंसान ने आपके आंखों पे पट्टी बांध के रखी, या फिर इस इंसान ने हमेशा ही आपको कुछ चीज़ों में उलझाए रखा। ये इंसान अगेन यही चीज़ें या तो अक्सर कर रहा है या करना की है कर रहा है या करना चाहता है, ठीक है, या चाहती है। तो आपकी लाइफ में आपको उस सिचुएशन में खुश नहीं होना कि सिर्फ दो और दो चार होता है,
डिवाइन ने आपको ऑलरेडी बोला है कि आपको कभी कभी 100 में आपको 1000 का एफर्ट लगाना होता है, तो ये एनर्जीज वही है आपके लिए। 2 और 2 4 नहीं है यहाँ पे आपके लिए, यहाँ पे 2 और 2 40 भी हो सकता है, 4000 भी हो सकता है, 4 लाख भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको अपने एफर्ट ज्यादा लगाने हैं। कहने का मतलब ये है, इसे सही से समझ लीजिएगा अपने हिसाब से, घुमाना नहीं है बात को। कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आपको जो मिल रहा है उसमें खुश नहीं होना है, आपको और ज्यादा एफर्ट करने हैं अपनी लाइफ को अगर आप में अच्छा बनाना है तो। थैंक यू सो वेरी मच योर डिवाइन। तो ये इंसान नहीं चाहता है कि आप अपने लिए मेहनत करें, ये इंसान ये चाहता है, ये चाहती है कि आप मेहनत तो करें लेकिन इस आपकी एनर्जी को ये लीच करे और फिर उसके बाद में आपको कुछ ना मिले और ये सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता रहे। थैंक यू सो वेरी मच योर डिवाइन। लास्ट कार्ड का क्लैरिफिकेशन तो मुझे नहीं चाहिए लेकिन फिर भी, क्योंकि एंजल्स ब्लेसिंग्स में क्या क्लैरिफिकेशन लूँ। थैंक यू सो वेरी मच योर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं लास्ट कार्ड के लिए? नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है तो डेफिनेटली ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज की बात करता है, तो ये आपके लिए लाइफ में अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा या आगे मूवमेंट लेकर आएगा जब आप अपने एंजल्स की ब्लेसिंग्स रिसीव कर रहे हैं। यहाँ पे कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड का, तो डेफिनेटली यहाँ पे लोग जो हैं आपके साथ स्ट्रेटेजिकली ऐसा हो सकता है कि एनर्जी रीचिंग करने का या फिर प्लानिंग प्लॉटिंग करने का लोगों ने कोशिश की है, स्ट्रेटेजी बना के या प्लानिंग प्लॉटिंग करके आपके साथ ये आपकी लाइफ में होता रहा है या हो रहा है या हो सकता है, अपने हिसाब से देखिएगा। इसलिए उसी तरह से काम कीजिएगा कि आपको डिवाइन ने ऑलरेडी कहा है, नो हरी, पॉज, थिंक देन एक्ट। आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, रुकिए, सोचिए और फिर एक्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई आपसे ज्यादा जल्दी रिएक्शन कुछ ना कुछ चाहता है कि आप करें, किसी तरीके से आप रिएक्ट करें। रिएक्ट नहीं करना भाई, भाई मेरे रिएक्ट नहीं करना, ठीक है, शांत रहना, थोड़ा सा चिल करना थोड़ा सा। देखते हैं, थैंक यू सो वेरी मच योर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या अदर मैसेजेस देना चाहते हैं? रॉन्ग आइडिया अबाउट होल सिचुएशन, ईगो, एंड ऑफ नाइसनेस, अगली साइड। तो ये इस इंसान ने किसी सिचुएशन का पूरा गलत आइडिया लगाया या इसने आपके बारे में शुरू से ही गलत सोचा है, इसलिए ये इंसान लगातार आपको हर लेवल पे हार्म कर रहा है या कर रही है। इसने भी ईगो साइड से काम किया है और इसने जितना भी बुराई आपके साथ कर सकता था या कर सकती थी इसने करने की कोशिश की है या ये कर सकता है, कर सकती है, इसलिए आपको बहुत सोच समझ के अपने कामों को करना होगा। इस इंसान से अगर ये आपके पास्ट की सिचुएशन है तो डेफिनेटली या प्रेजेंट में भी अगर कुछ ऐसा हो रहा है, इसलिए इन लोगों से आप किसी तरह की कमिटमेंट की उम्मीद नहीं कर सकते। इट इज गोइंग टू बी ओके, ब्लेसिंग्स इज योर्स, एंजल ब्लेसिंग्स ऑलरेडी आपके लिए हैं। तो डिवाइन ने आपके लिए डिसाइड कर रखा है कि जो भी हर्टफुल आपके लिए हर्ट होने वाली सिचुएशन रही है उसमें वो आपके लिए कोई बात नहीं, ओके हो जाएगी, ब्लेसिंग्स आपकी ही है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आपके पक्ष में चीजें जाना या आपके लिए अच्छा होना ही आपका न्याय है, यानी कि आपके जीवन में आपके एफर्ट्स का रिजल्ट, आपको आपकी मेहनत का, आपके भाग्य का रिजल्ट आपको मिलना ही आपका न्याय है, आपका जस्टिस है और वो आपको मिलेगा। ब्लेसिंग्स इज योर्स। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन मैसेजेस को कन्फर्म करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। They want to isolate you, doing too much with your connections, family, friends. तो लास्ट की रीडिंग देख लीजिएगा, लास्ट की रीडिंग्स देखते रहिए, कुछ ना कुछ अगर आपको याद नहीं रहती हैं या पहली बार जुड़े हैं तो आपको चाहे अपने रिश्तों में एफर्ट करना पड़े, चाहे आपको अपने काम में एफर्ट करना पड़े, बिल्कुल कीजिए, क्योंकि ये लोग भी बहुत कुछ कर रहे हैं और आपको आपकी फैमिली की ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी। यानी कि अगर आपको जितना आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा आप इंटरनली कनेक्ट हो रहे हैं अपने आप से और डिवाइन से, चाहिए आपको कहीं से भी काटने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपके डिवाइन के साथ कनेक्शन को, आपकी फैमिली के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, ये किसी भी तरीके से ये आपकी इस लाइफ की जर्नी में इन्होंने कर या फिर करते रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी आपके कोई झगड़ा वगैरह होता है अपने परिवार से, आपको बिल्कुल झगड़े करने की ज़रूरत नहीं है, शांत रहने की ज़रूरत है। आपको बस ये ध्यान रखना है, चाहे आप बोलें, चाहे आप कुछ भी करें, आपको जल्दबाजी किसी चीज़ में नहीं करनी है, रिएक्शंस देने में भी नहीं करनी है। पॉज कर लीजिए, देखिए बोलना ज़रूरी है या नहीं, नहीं तो मुँह पे एक टेप लगा लीजिए और अंदर ही अंदर नहीं चलाना उसको, मैं तो चुप हूँ, मैं तो त्याग कर रहा हूँ, त्याग कर रही हूँ, नहीं कुछ नहीं कर रहे हैं आप, ईश्वर पे छोड़ दीजिए, ना अंदर रखिए ना दिमाग में रखिए और अपनी एनर्जीज को क्लीन करते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच योर डिवाइन।
क्योंकि बाहर से ना बोलने वाले जब अंदर रख लेते हैं ना कि हम त्याग कर रहे हैं, वो और भी खराब होता है भाई। कन्फर्मेशन कार्ड है ये, दिस इज योर एक्स। तो ये आपका कोई एक्स है या आपकी कोई एक्स है ब्लॉकिंग योर पाथ, आपका पाथ ये ब्लॉक कर रहा है। पर्सन वॉन्ट टू ब्लॉक योर मैनिफेस्टेशन लव लाइफ हेल्थ, आपकी लव लाइफ को, आपके मैनिफेस्टेशन को और आपकी हेल्थ को ब्लॉक कर देना चाहता है या चाहती है। हैवी स्पेल वर्क, ब्लड मैजिक किया है इसने, हायरिंग स्पिरिचुअलिस्ट। इस इंसान ने ब्लड मैजिक किया है। अगर इस इंसान ने ब्लड मैजिक किया है तो आपका कोई ना कोई फैमिली मेंबर इसके साथ में है, जिसमें इसने आपका या उसके डीएनए का यूज किया है। इसलिए आपको अपने एफर्ट्स दुगने तिगने चौगने 1000 गुना ज्यादा करने पड़ेंगे, और इसमें कोई बुराई नहीं है। ये इंसान देखिए आपका एक्स हो सकता है, या फिर ये पर्सन आपको अपना एक्स मानता है, यानी कि इस इंसान के मन में आपके लिए कोई ना कोई इस तरह की फीलिंग्स हो सकती हैं, कभी रही हो। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। बताइए, हैवी स्पेल वर्क। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। और जिनके लिए आपका कोई एक्स नहीं है, तो ये एक्स आपका कोई भी हो सकता है, एक्स फ्रेंड हो सकता है, एक्स फैमिली मेंबर हो सकता है, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप या तो बात नहीं करते हैं या कम करते हैं या करना पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि या तो आपको पता चल चुका है इस इंसान के बारे में और आपने कुछ डिसाइड किया है, या फिर आपको पता चलेगा और आप कुछ डिसाइड करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। क्योंकि कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली पास्ट की सिचुएशन भी हो सकती है। दिस पर्सन डिड नॉट वॉन्ट टू ग्रो फ्रॉम दिस सिचुएशन। तो ये इंसान पुरानी बातों से या किसी भी कहानी से ऐसी बाहर नहीं निकलना चाहता या नहीं निकलना चाहती। बेसिकली ये इंसान आपको ट्रैप रखना चाहता है या रखना चाहती है आपके किसी भी सिचुएशन में, जो भी ये इंसान है। ये हो सकता है कहीं आपके कोई एक्स फैमिली मेम्बर्स हों, एक्सटेंडेड फैमिली के हों, यानी कि जिनके साथ आप जुड़े हैं, आपके परिवार के लोग जुड़े हैं, वो हो सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ड्रेनिंग योर एनर्जी, डोंट वॉन्ट यू टू मूव फॉरवर्ड। तो आपकी एनर्जीज को ड्रेन कर रहे हैं, तो आपके ऊपर हैवी स्पेल वर्क है डेफिनेटली। इसमें जैसे किसी प्रीस्ट प्रीस्ट की या इस तरह के जो काम करने वाले धार्मिक जगहों पे जो काम करने वाले लोग होते हैं, ये उनकी एनर्जीज हैं। जो लोग भी इस तरह की जगहों पे जहाँ पे धार्मिक चीज़ें होती हैं ना, ये किसी भी धर्म की हो सकती हैं भाई, जहाँ पे ये धार्मिक चीजें होती हैं, जहाँ पर ये लोग इस तरह के काम करने वाले लोग बैठे होते हैं या इस तरह के काम करते हैं, वहां की एनर्जी सही है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। होल्डिंग ऑन ओल्ड रिसेंटमेंट्स, कीप क्रिएटिंग केओस एंड ड्रामास, डोंट वांट चेंज। तो चेंज नहीं होना चाहता बेसिकली इंसान, या नहीं होना चाहती ये, बस इंसान चाहता है कि ड्रामा ही क्रिएट होता रहे, आप वॉन्टेड ही रहें, लेकिन आप प्रोटेक्टेड हैं। डिवाइन भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आप भी प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए ये इंसान आपकी एनर्जीज को ड्रेन कर रहा है ताकि आप अपने आप पे काम ना कर सकें या अपने लिए काम ना कर सकें। लेकिन डिवाइन ने कहा है कि ब्लेसिंग्स आपकी ही हैं, ये जो कुछ भी है ये आपके लिए ओके हो जाएगा, आपको इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, आप समझेंगे, आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। दे आर नॉट अलोन इन दिस, वर्किंग विद ग्रुप ऑफ पीपल, नोन अननोन, हायर्ड ग्रजिस। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ग्रजिस हैं आपके लिए, ऐसे लोगों को अपने ग्रुप में शामिल किया है, चाहे आपके फैमिली मेंबर ने किया है या फैमिली मेंबर्स को किया है, जो कि आपके लिए जानकार हैं या अनजान हैं और ये ग्रुप में काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हायर किया गया है या ऐसे लोगों का साथ लिया गया है जिनके अंदर आपको लेके गुस्सा या ग्रजिस हैं, जो आपसे ऑलरेडी दुश्मनी अपनी निकालना चाहते थे, तो वो सब आपके नोटिस पर टूट पड़े हैं कि चलो भाई अब तो इस इंसान को हम खा जाएंगे, क्योंकि अब तो या तो इसके परिवार का इंसान हमारे साथ में है, या इसका ये दोस्त हमारे साथ में है, या सहेली हमारे साथ में है, या इसका ये एक्स या एक्स ही हमारे साथ में है ना। अब ये कोई भी हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, हो सकती है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आसान हो जाता है वार करना लोगों का, जब अपने ही परिवार के लोग या अपने वो लोग जिनको आप कभी अपना मानते थे, वो जब खड़े हो जाते हैं ना, तो वार करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि लोग तो बैठे होते हैं, भरे हुए बैठे होते हैं इन सब चीज़ों को करने के लिए, बस यही चाहिए होता है उन्हें। डूइंग मैनिपुलेट समवन यू, ओके। तो देखिए, मैंने लास्ट रीडिंग में भी कहा था ड्रीम स्टेट में अटैक है, देख लीजिएगा लास्ट रीडिंग। तो किसी को या आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है ड्रीम्स के अंदर, जब आप या कोई सो रहा है
और ड्रीम में अटैक करके दूसरे इंसान की एनर्जीज को लीश किया जा रहा है। तो इसमें कोई ऐसा थर्ड पर्सन है जो कि आपकी एनर्जीज को ड्रेन कर रहा है किसी और के सपनों में जाने के लिए, या किसी और की एनर्जीज को ड्रेन कर रहा है आपके सपनों में आने के लिए। तो बेसिकली ये कोई ऐसा इंसान है जो कि दो लोगों की एनर्जीज को ड्रेन करके उनकी एनर्जीज को आपस में भिड़ा रहा है, या भिड़ा रही है, या भिड़वा रहा है, या भिड़वा रही है। या आपका कोई एक्स हो सकता है, या कोई फैमिली मेंबर हो सकता है जो कि चाहता है कि आप गलत एनर्जीज में ही हमेशा पड़े रहें, या कोई ऐसा फ्रेंड आपका हो सकता है, या जानकार कोई फैमिली मेंबर हो सकता है जो कि आपसे आपके एनर्जीज में यही सब चीज़ें करना चाहता है, यही सब चीज़ें करना चाहती है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। गॉड्स आईज आर वॉचिंग एवरी थिंग, समथिंग गोइंग ऑन स्पिरिचुअली। इसलिए ही ना जब मैं ये रीडिंग करने के लिए बैठी थी तो यही मेरे पास मैसेज था कि मुझे ना डिवाइन के चैनल डेक में से ही डायरेक्ट जो चैनल मैसेजेस हैं इसमें से मुझे पहले कार्ड लेने हैं। तो ईश्वर ने आपको जो डायरेक्ट मैसेज दिया है ना, ईश्वर की आंखें सब कुछ देख रही हैं, और स्पिरिचुअली ये आपकी एनर्जीज के साथ बहुत गलत करने की, या फिर खास तौर से जब ब्लड मैजिक आता है तो ये सेक्स रिचुअल्स में भी आता है, और फीमेल का ब्लड भी इसमें यूज़ किया जाता है जो उनका मेंस्ट्रुअल जो उनके पीरियड्स का होता है। ठीक है, ये कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं। तो कोई बात नहीं है, जो भी स्पिरिचुअली ये आपके ऊपर करने की कोशिश कर रहे थे, कर रहे हैं, या फिर ये आपके जो भी साइकिल्स होते हैं, मंथली साइकिल्स होते हैं फीमेल्स की, ये उसको इफेक्ट करने की और उसमें एनर्जी हार्वेस्टिंग करने की कोशिश कर रहे थे या कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर। तो अपनी कॉर्ड्स को कट करने के लिए आके जमाइका से प्रेयर कीजिएगा। दे वॉन्ट यू टू बी सैड, स्टक, अनकमिटेड विद योर जॉब, वर्क, रिलेशनशिप, इमोशंस, फीलिंग्स। तो ये इंसान चाहता है या चाहती है, इसलिए आपकी एनर्जीज को ड्रेन कर रहे हैं ताकि आप अपने आप को स्टक माने, आपके अंदर मोटिवेशन ना हो और आप इस एनर्जीज में रहें कि मुझे तो बस यही पता है, दो और दो चार ही होता है, इसके सिवा कुछ नहीं होता है, और मैं इसकी एनर्जीज पर आगे बढ़ता रहूं या बढ़ती रहूं। ईश्वर ने आपकी एनर्जीज पे, यह ना कि ईश्वर ने आपको किसी का स्लेव नहीं बनाया है और ना ही आपके ऊपर किसी को अपॉइंट किया है। तो ये इंसान आपके ऊपर खुद को आपका मालिक खुद बन रहा है या बन रही है एनर्जी लेवल पे, कि इसकी एनर्जी ड्रेन कर रहा हूँ, इस पे पहुंच रहा हूँ, इसकी एनर्जी ड्रेन करके इसकी एनर्जी में लीच कर रहा हूँ, अटैक कर रहा हूँ, कर रही हूँ, करवा रही हूँ। ये जो कुछ भी ये लोग कर रहे करवा रहे हैं ना, ये सारी एनर्जीज में आपको सिर्फ इसलिए रखना चाहते हैं कि ये लोग आगे बढ़ सकें, या फिर ये लोग उस अचीवमेंट को पा सकें जो आप पा रहे हैं या आपको पाना है। लेकिन ऐसा नहीं होगा आपको, इसलिए ईश्वर ने इसीलिए ही आपको ईश्वर ने यहाँ पे कहा था या कहा है कि आपको कभी कभी अपने एफर्ट 100 में 1000 देने होते हैं। दे वॉन्ट यू टू बी सैड, स्टक, अनकमिटेड, चाहे आपकी जॉब में हो, वर्क में हो, रिलेशनशिप में हो, इमोशंस में हो, फीलिंग्स में हो। तो अगर आपका मन ना करे अपने रिश्ते निभाने का, अपना काम करने का, अपनी जॉब पे ना जाने का, अपने आप को गालियां दीजिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए, या अपने आप को कोसिए, जो भी आपने अच्छे वे में करना है कीजिए। यानी कि ये कोसना वैसा नहीं है कि आप कह रहे हैं अपने आप को कुछ भी और अपनी एनर्जी और ड्रेन कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए आप जो कर सकते हैं वो आप कीजिए, जो आपको समझ में आता है वो आप कीजिए, लेकिन अपने आप को रेस्ट भी कीजिए और अपने कामों को करने के लिए अपने आप को मोटिवेट भी रखिए। समबॉडी डोंट वॉन्ट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन इमोशंस, फीलिंग्स। तो बेसिकली यहाँ पे ना कुल मिला के यहाँ पे सारे इमोशंस इमोशंस पर्सन इमोशंस वॉन्ट टू बी यू, आप जैसा बनना चाहते हैं, आप जैसा एक्ट करना चाहते हैं, आप जैसे कपड़े भी पहनना चाहते हैं या पहन रहे हैं और आपको कॉपी कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज में रहना चाहते हैं, इसलिए आपकी एनर्जी स्टील कर रहे हैं, इस चीज़ के लिए पेड कर रहे हैं, मास्क इन्होंने पहन रखा है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हो, आपको सोशल मीडिया पे अगर आपका प्लेटफॉर्म है, या आप सोशल मीडिया पे हैं किसी भी शेप साइज और फॉर्म में, या आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं और आपको फेक स्माइल देते हैं। ठीक है, दे आर ट्राइंग टू विजिट इन योर ड्रीम्स, अटैकिंग यू विथ स्पेल्स। तो अगर आपके ड्रीम्स में कोई आता है या आती है तो किसी की एनर्जी या तो लीच कर रखी है, या कोई इंसान आपके साथ में दोबारा कनेक्ट होना चाहता है, और मैनिपुलेशन इल्यूजन वॉन्ट यू टू बैक देम। तो आपसे आपसे ये चाहते हैं कि किसी तरीके से आप इनसे कनेक्ट हो। तो यहाँ पे ना जो मेन एनर्जीज हैं वो यही कहती हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपने किसी के साथ कोई कनेक्शन तोड़ दिया, या आप तोड़ देंगे खाली इसलिए क्योंकि ये इंसान लगातार आपकी एनर्जीज को ऑलरेडी ड्रेन कर रहा था या कर रही थी। ये इंसान ऑलरेडी आपकी एनर्जीज में है और ये आपके बारे में या तो गलत सोचता है या सोचती है, या आपके बारे में ये रोमांटिकली इस इंसान के थॉट थे और आपके नहीं थे, ऐसा भी हो सकता है। ये पर्सन आपका कोई भी एक्स हो सकता है, एक्स फैमिली मेंबर से लेकर एक्स फ्रेंड तक, या कोई एक्स
एक्सटेंडेड आपका कोई फैमिली मेम्बर हो, यानी कि शादी ब्याह करके जो परिवार जुड़ते हैं उनमें कोई हो। ये इंसान लगातार पुरानी चीज़ों के ऊपर ही बैठा हुआ है, अभी तक भी पुरानी चीज़ें पाल कर बैठा है या बैठी है। ना ये इंसान इस सिचुएशन को छोड़ने के लिए तैयार है और ना ही ये पुरानी चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार है, पुरानी बातों को। तो इसलिए इसने आपको, और ना ही ये इंसान अपनी इमोशंस की कि इसे क्या फील हो रहा है, इसी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान नहीं ले रहा है और नहीं या नहीं ले रही है। ये सिर्फ इन चीज़ों को लेकर बदला निकाल रहा है या निकाल रही है आपसे। और बस जैसे कि मैंने कहा था लास्ट रीडिंग में कि हर स्टेप में आपके लिए एक रोड़ा अटका रहे हैं या अटकवा रहे हैं। ये वो सिचुएशन है कि आपकी एनर्जीज को, आपकी जर्नी को इतना स्लो कर दिया जाए, इतना स्लो कर दिया जाए, इतना आपको लेट कर दिया जाए कि आप गिव अप कर दें, या तो रिश्तों पे, या अपने काम पे, या अपने इमोशंस पे, अपनी फीलिंग्स पे, अपनी हेल्थ पे, अपनी हैप्पीनेस पे। आप कहें मुझे नहीं चाहिए, ये वर्ड ये आपसे सुनना चाहते हैं कि भाई आपको नहीं चाहिए, इन्हीं को चाहिए सब कुछ, भगवान इन्हीं को सब चीजें प्रोवाइड करे या फिर इन्हीं को सब चीजें दे, ऐसा ये चाहते हैं। किसी और की खुशियों को मारकर आपको खुशी नहीं मिलेगी, किसी और की हंसी को मारकर आपको हंसी नहीं मिलेगी, किसी और को बर्बाद करके आप आबाद नहीं होंगे, कोई भी नहीं होता। देखते हैं आकिन जमाइकल क्या मैसेज दे रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच आकिन जमाइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं इस सारी सिचुएशन के लिए। यू विल मैनिफेस्ट वट यू नीड। अपना ग्रेटिट्यूड देते रहिए कि आप जो भी चाहते हैं जीवन में अच्छा अपने लिए, वो आपके लिए आपको मिल रहा है। अपने एंजल्स पे ट्रस्ट कीजिए कि जब भी आपको मदद की ज़रूरत होगी वो आपकी मदद करेंगे और आपको प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आपको जो मैं कर। एम्ब्रेस योर लाइफ पर्पस, आगे जमाइकल आपको गाइड कर रहे हैं आपके डिवाइन लाइफ पर्पस की तरफ। जो भी चीज़ें आपके दिल को खुश करती हैं उन चीज़ों को आप करने के लिए बने हैं और वो ही आपको करना है, या उनको आप कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आगे जमाइकल। योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड, योर प्रेयर्स, आपकी प्रेयर्स जो है डिवाइन रिसीव कर रहे हैं, आंसर आपको जल्दी ही मिलेंगे, चाहे वो आपने एक्सपेक्ट किसी भी रूप में किए हों या ना किए हों, आपको मिलेंगे जवाब जरूर। बॉटम ऑफ द डेक है ट्रस्ट इन डिवाइन पर्पस। डिवाइन, ये जो अनुभव आपको मिल रहा है इसका कोई ना कोई डिवाइन मीनिंग है। आपको हीलिंग मिलेगी और आपको पता चलेगा कि आप ग्रोथ के पाथ पर ही हैं, यानी कि आगे आप बढ़ रही हैं। डिवाइन ही डिवाइन है इस रीडिंग में, इसलिए डिवाइन ने कहा था कि इसी चैनल डेक में से यूज़ करना है। तो थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन आपके मैसेजेस के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए, आपकी हेल्प और हीलिंग के लिए, एंजल्स ब्लेसिंग्स के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आके जमाइकल, आप सबका यहाँ होने के लिए और प्रोटेक्शन के लिए। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो भी नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव कमेंट, नेगेटिव इमोशंस हो या कोई प्रोजेक्शन हो, प्लीज़ रिटर्न टू सेंटर कर दीजिएगा। और आपसे यही कहना है कि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।